नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का ये खूबसूरत सा डिजाइन लाई हूँ, जिसे आप जेंट्स स्वेटर में, लेडीज स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, शॉक्स में, शूज में, कैप में, हैट में, पर्स में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और देखिए ये कितना खूबसूरत डिजाइन है। इसे बनाने के लिए 8 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 3 फंदा एक्स्ट्रा। हम 8-8 फंदे गिने तो लास्ट में 3 फंदे आने चाहिए, डिजाइन अच्छी तरह सेट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिजाइन बनाते हैं। मैं डिजाइन इसी के ऊपर बनाऊंगी, आप इसे पहली लाइन समझें। इस डिजाइन में दोनों धागे साथ साथ चलेंगे, तो ये डिजाइन का पहला लाइन है। और सामने से अपने प्राइमरी कलर से हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2 और 3। और अगले 5 फंदे हम सेकेंडरी कलर से सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो इन्हीं 8 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। 3 फंदा प्राइमरी कलर से सीधा और 5 फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा। तीन फंदा प्राइमरी कलर से सीधा और 5 फंदे सेकेंडरी कलर से सीधे। तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में 3 फंदा बचेगा, जिसे हम प्राइमरी कलर से सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह हमारा पहला लाइन कंप्लीट होता है। अब ये डिजाइन का दूसरा लाइन है और रॉन्ग साइड। तो प्राइमरी कलर वाले फंदे हम उल्टे बुन लेंगे और सेकेंडरी कलर वाले फंदे सीधे। तो इन्हीं 8 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। प्राइमरी कलर वाले फंदे उल्टा बुनने हैं और सेकेंडरी कलर वाले फंदे सीधा। सेकेंडरी कलर वाले फंदे सीधा बुनते हुए और प्राइमरी कलर वाले फंदे उल्टा बुनते हुए हमने दूसरी लाइन कंप्लीट कर लिया। अब ये डिजाइन का तीसरा लाइन है। तो प्राइमरी कलर वाले फंदे हमें सीधा बुनना है और सेकेंडरी कलर वाले फंदे इन्हें हमें उल्टा बुनना है। तो प्राइमरी कलर के 3 फंदे सीधे और सेकेंडरी कलर के 5 फंदे उल्टे बुन लिए जाएंगे। डिजाइन बहुत ही आसान है और ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। इतना खूबसूरत ये ब्रिक डिजाइन है। हाथ हम ढीला रखेंगे, वरना डिजाइन में सिकुड़न आ जाएगी और सारी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। तो 5 फंदा सेकेंडरी कलर वाला, 5 फंदा उल्टा और प्राइमरी कलर के 3 फंदे सीधे। तो ये हमारा 3 लाइन कंप्लीट हो गया। अब ये डिजाइन का चौथा लाइन है और रॉन्ग साइड। तो चौथे लाइन में हम अपने दूसरे लाइन को दोहराएंगे
यानी प्राइमरी कलर के 3 फंदे उल्टे और सेकेंडरी कलर के 5 फंदे सीधे। प्राइमरी कलर के 3 फंदे उल्टे और सेकेंडरी कलर के 5 फंदे सीधे। पांचवी लाइन में पैटर्न चेंज हो जाएगा। अब 4 फंदे हम सेकेंडरी कलर से सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3 और 4, और इन 5 फंदों में से बीच के 3 फंदे इन्हें हम प्राइमरी कलर से सीधा बुनेंगे। अब प्राइमरी कलर वाले 3 फंदे और साइड के 2 फंदे इन्हें मिलाकर 5 फंदे हम सेकेंडरी कलर से सीधा बुन लेंगे। फिर 3 फंदे प्राइमरी कलर से सीधा। फिर हमारा 3 फंदा प्राइमरी कलर से सीधा और 5 फंदा सेकेंडरी कलर से सीधे का क्रम चलने लगा, यानी अब फिर हमें इन 8 फंदों को दोहराना है। तो ये 5 फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा हो गया, यानी अगले 3 फंदे प्राइमरी कलर से सीधे। नेक्स्ट 5 फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा। और लास्ट में ये 4 फंदे बचेंगे जिन्हें हम सेकेंडरी कलर से सीधा बुन लेंगे। छठी लाइन और रॉन्ग साइड, तो सेकेंडरी कलर वाले फंदे सीधे बुन लिए जाएंगे, यानी 4 फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा। और फिर उन अपनी ओर करेंगे और फिर 3 फंदे प्राइमरी कलर से उल्टे बुनेंगे। अब सेकेंडरी कलर वाला धागा दूसरी तरफ करेंगे, 5 फंदा सीधा बुनेंगे। उन अपनी तरफ करेंगे और नेक्स्ट 3 फंदे प्राइमरी कलर से उल्टे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। आठवां लाइन छठे लाइन की तरह बुना जाएगा, यानी सेकेंडरी कलर वाले फंदे सीधे। और प्राइमरी कलर वाले फंदे उल्टे बुन लिए जाएंगे। सेकेंडरी कलर वाले फंदे सीधे और प्राइमरी कलर वाले फंदे उल्टे। नाइन्थ रो से हम फिर अपना पहला लाइन शुरू कर देंगे, यानी कि 3 फंदा प्राइमरी कलर से सीधा और 5 फंदे सेकेंडरी कलर से सीधा। इन्हीं 8 फंदों को हम पूरी लाइन में दोहराएंगे। देखिए खूबसूरत सा ब्रिक बनता चला जाएगा। तो 8 लाइन का ये रिपीटेड डिजाइन है और इन्हीं 8 लाइनों को हमें
ऊपर ऊपर दोहराना है जिससे ये खूबसूरत सा डिजाइन बनता चला जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन बनके तैयार है। आशा है आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।